आप बताएं। सबसे पहले बेटा मैं आपसे यहाँ जो मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो 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 बेटा मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो हाँ बेटा आवाज आ रही है? यस सर ठीक है ओके सर। चलिए बेटा ठीक है शुरुआत करते हैं आज की। तो बेटा मेरा पहला क्वेश्चन है कि क्या हमारे सभी बच्चों को मालूम है कि गैस क्या होती है? हेलो ऐसा होता बेटा कि हमारा जो मैटर है उसकी तीन स्टेट्स होती हैं। मैटर की तीन स्टेट हैं, कौन कौन सी तीन स्टेट होती हैं जरा बताओ सब बच्चे। जो मैटर है बेटा बिल्कुल सही बात है, एक सॉलिड होती है, एक लिक्विड होती है और एक गैस होती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बेटा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मैटर की जो तीन स्टेट हैं, ठीक है, ये कोई भी सब्सटेंस है वो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या गैस की फॉर्म में, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके साथ दो टेंडेंसी होती हैं बेटा। ठीक है, सबको पता है जैसे हम बात करते हैं आइस है, बर्फ है तो वो सॉलिड है, पानी है वो लिक्विड है और भाप जो है स्टीम वो गैस है। यहाँ बेटा मैं दो चीज़ें अब आपके साथ बात करूँगा, एक हम बात करेंगे बेटा एक मिनट शायद ये ठीक है, एक होता बेटा म्यूचुअल अट्रैक्शंस और एक होता है स्केपिंग टेंडेंसी। मैं पहले दो चीज़ों की बात आपके साथ करूँगा। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि म्यूचुअल अट्रैक्शन का मतलब क्या है। म्यूचुअल अट्रैक्शन का मतलब होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, टेंडेंसी टू बाइंड मॉलिक्यूल टुगेदर, टेंडेंसी टू बाइंड मॉलिक्यूल टुगेदर। मेरी बात समझ में आ रही है कि मॉलिक्यूल जब आपस में पास पास आते हैं इसे कहते हैं म्यूचुअल अट्रैक्शंस, और जब वो डिस्पर्स हो जाते हैं टेंडेंसी टू डिस्पर्स मॉलिक्यूल नोन एज स्केपिंग टेंडेंसी, उसको हम लोग स्केपिंग टेंडेंसी कहते हैं। इसको थोड़ा फील करिएगा बेटा, ठीक है, जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और जब वो इकट्ठे जो भीड़ होती है वो तितर बितर हो जाती है, जब भीड़ है पुलिस आती है और उनको तितर बितर कर देती है उसे कहते हैं डिस्पर्सिंग स्केपिंग टेंडेंसी। तो हर सिस्टम में मैटर के अंदर बेटा दो प्रकार की मॉलिक्यूल के बीच में टेंडेंसीज होती हैं, एक टेंडेंसी जहां मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और दूसरी टेंडेंसी जहां मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि यदि म्यूचुअल अट्रैक्शन जो है वो स्केपिंग टेंडेंसी से बहुत ज़्यादा हो जाए तब हमारे मैटर की कौन सी स्टेट की संभावना है? सॉलिड। बिल्कुल सही बात है, शाबाश, बिल्कुल सही सही आंसर है। अच्छा जब ये म्यूचुअल अट्रैक्शन स्केपिंग टेंडेंसी जब बहुत ही कम हो जाता है तब कौन सी टेंडेंसी है? वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। और जब ये बेटा दोनों लगभग लगभग सेम ही होते हैं तब वो स्टेट जो होती है उस स्टेट को, हाँ बेटा, उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं क्या? लिक्विड। लिक्विड स्टेट, बिल्कुल सही बात है, शाबाश, बिल्कुल सही जवाब है बच्चों का, वेरी गुड पलक, हाँ शाबाश। अच्छा एक बात बताओ, पानी के अंदर ये तीनों स्टेट होती हैं, मान लो जब टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस होता है तो उस समय कौन सी स्टेट होती है पानी की, उसे क्या बोलते हो? आइस। आइस, शाबाश, गुड 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 गुड।
और जब वो 27 डिग्री सेल्सियस होता है तो उसे क्या बोलते हो मेरे बेटा? लिक्विड वाटर। वाटर लिक्विड, बिल्कुल सही बात है, तब उसे वाटर बोलते हैं। और 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर की स्टेट होती है उसे क्या बोलते हो? हेलो, स्टीम। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है, स्टीम। बिल्कुल सही बच्चे आंसर अच्छा दे रहे हैं बेटा, शाबाश। आज बच्चों का इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। गुनगुन शाबाश, रसलीन, श्रेयांश वेरी गुड। ठीक है, अब बेटा मैं एक बात आपसे और पूछना चाहता हूँ, यानी कि ये फॉर्म आपकी होगी सॉलिड, ये फॉर्म आपकी हो गई लिक्विड, और ये फॉर्म आपकी हो गई गैस। ठीक, अच्छा ये बताओ, ये वाली जो स्टेट है गैसीय स्टेट, ये कब एग्जिस्ट करती है? हेलो, हाँ बेटा, हेलो, मेरी बात, हाँ बेटा, सबको समझ में आ रही है? यस सर। तो मैं ये कहता हूँ कि बच्चों को देखो बेटा, बात सुनो, यदि मैं मॉलिक्यूल को बिल्कुल पास पास ले आता हूँ, यानी कि जो गैसियस फेज है, मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूँ, गैस, हाँ बेटा, गैसियस फेज, मतलब देखना यदि कुछ बात में आपको प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना, गैसियस फेज एग्जिस्ट एट लो प्रेशर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर्स, एंड हाई टेम्परेचर। अब आप खुद देखिए, जब टेम्परेचर आपका ज़्यादा था तभी तो गैस बनी ना मेरे बेटा, और जब टेम्परेचर बहुत कम था तब कौन सी स्टेट थी? सॉलिड। और जब टेम्परेचर मॉडरेट होता है तो वो लिक्विड स्टेट में होती है। मेरी ये बात जो मैंने यहाँ लिखी है, क्या मेरी बात से सब बच्चे सहमत हैं? हेलो, मैंने बेटा यहाँ एक स्टेटमेंट लिखा है, स्टेटमेंट लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर गिवन सब्सटेंस मे एग्जिस्ट ऑल दी थ्री फॉर्म, ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर गिवन सब्सटेंस मे एग्जिस्ट इन ऑल दी थ्री फॉर्म, यानी कि एक ही सब्सटेंस की तीन स्टेट हो सकती हैं। आप टेम्परेचर बदल दीजिएगा, प्रेशर बदल दीजिएगा, वही सब्सटेंस सॉलिड हो जाएगा, वही सब्सटेंस गैस हो जाएगा, वही सब्सटेंस लिक्विड हो जाएगा। मेरी इस बात से सहमत हैं सब बच्चे? हेलो, हाँ भाई। yes, अच्छा एक बात, एक बात बताओ, थोड़ा सोच के जवाब दीजिएगा। पानी जो है, पानी, वाटर, वाटर जब सॉलिड था और जब वाटर गैसीय स्टेट में था, दोनों में क्या फर्क है? बाह्य स्थिति में क्या फर्क है? सिर्फ इतना फर्क है ना कि वहां टेम्परेचर कम था, वहां टेम्परेचर ज्यादा है। हेलो बेटे, आप रेफ्रिजरेटर में पानी को रखते हो तो वहां टेम्परेचर कम होता है, ज्यादा होता है? ठीक, कृष्णा शाबाश, गुड, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड वेरी गुड कृष्णा। ठीक है, सही जवाब है कृष्णा तुम्हारा, तो उस समय लो होता है। तो यानी कि आप ये कहना चाहते हैं मुझे कि सर टेम्परेचर के बढ़ाने से, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तब हमारी जो हमारे जो सब्सटेंस है, जो मैटर होता है, उसकी टेंडेंसी, उसकी जो टेंडेंसी होती है वो गैस में जाने की होती है, और जब टेम्परेचर कम होता है वही सब्सटेंस सॉलिड में आने की टेंडेंसी रखता है। मैं ये, लेकिन ये टेम्परेचर हर मैटर के लिए अलग अलग होता है। अब ये नहीं कि सभी सभी सब्सटेंस जो होते हैं जीरो पे आइस बन जाएंगे, कुछ जीरो पे बनेंगे, कुछ सौ पे, मतलब अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग टेम्परेचर, हर एक अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग मापदंड बनाए जाते हैं। बात समझ आ रही है बेटा? तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं आपसे कुछ बातें अब करूँगा कि यानी कि इसका मतलब है कि टेम्परेचर और प्रेशर को बदलने से हमारे सब्सटेंस की जो स्टेट्स हैं वो बदल जाती हैं, सही है क्या? हेलो, ओके, बिल्कुल सही जवाब है, हाँ भाई कृष्णा। अच्छा मैं कुछ बातें बेटा आज अभी करूंगा आपके साथ, ये वो चीज़ें हैं एक्चुअली बेटा, मैंने कुछ यहाँ पे, क्योंकि मैं लिखता तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती क्योंकि मैं इतना स्पीड से लिख नहीं पाता, तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, बातें सिर्फ आपसे पूछनी है। अच्छा एक मिनट ये बताइएगा कि जब मैं बात सॉलिड की कर रहा हूँ, हेलो, जब मैं सॉलिड स्टेट की बात कर रहा हूँ, तो ये बताओ सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल पास पास है या दूर दूर है? ये पॉइंट नंबर वन, मेरी बात सब बच्चे सहमत हैं कि सॉलिड स्टेट में, बिल्कुल सही बात है, सॉलिड स्टेट में एटम्स या मॉलिक्यूल पास पास होते हैं। अच्छा और लिक्विड स्टेट में क्या होते हैं बेटा? लिक्विड स्टेट में, अब बेटा लिक्विड स्टेट में यहाँ पे तो क्या वेरी टाइटली पैक्ड होते हैं, यहाँ सिर्फ टाइटली पैक्ड होते हैं,
पास पास होते हैं, या बहुत पास पास होते हैं, थोड़े पास पास होते हैं, और गैस में वेरी लूजली पैक्ड। शाबाश, गुड, ओके, बिल्कुल सही बात है ये बात। आप यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आइस के अंदर पानी जो आइस है तो उसमें वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा पास पास हैं, स्टीम में वाटर के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपके सामने बताऊँ कि जो पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होती है, ये सॉलिड के अंदर क्या होती है? क्या मैं इसको मैक्सिमम लिख दूँ या मिनिमम लिखूँ? हेलो, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस मिनिमम या मैक्सिमम? वेरी गुड। नहीं बेटा भूमि, तुमने गलत लिखा बेटा, हाई नहीं है, मिनिमम होगी पार्ट जो, ठीक है। हेलो, ओके, बाकी सब बच्चे तो ठीक लिख रहे हैं, आयुष, भूमि, सब ठीक, ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो हाँ भाई, भूमि समझ में आ रहा बेटा? हेलो, यस सर, ठीक है। यानी कि आप मेरी बात से सहमत हैं कि सॉलिड के अंदर इंटर पार्टिकल जो डिस्टेंस होती है वो छोटी होती है। अच्छा, ठीक है। अब यदि इसके अंदर तो बेटा डिस्टेंस छोटी है, लेकिन तुम्हारा मेरा जो आपसे क्वेश्चन है वो ये है कि गैस के अंदर ये इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होगी बेटा? मैक्सिमम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और यहाँ पे क्या लिखूं? इंटरमीडिएट। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। रोहन, भूमि, रयान, प्रणव, एनी, कृष्णा, ठीक है, वेरी गुड बेटा। अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपका क्या विचार है? ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये सबसे ज्यादा कहाँ होगा बताओ तीनों में? यहाँ पर सॉलिड में मैक्सिमम और यहाँ मिनिमम। बेटा कोई बच्चा, बेटा सीधा जो भी आप आंसर देना चाहते हैं, मेरे पास आप डिस्प्ले आ रहा है आपका सारा, कौन बच्चा क्या आंसर दे रहा है वो मैं सब देख रहा हूँ, ठीक है, इन बिटवीन। अच्छा अच्छा, काइनेटिक एनर्जी बताओ, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, किन पार्टिकल्स की? यहाँ तो, हाँ बेटा एनी तुमने गलत लिखा बेटा, गुनगुन तुमने भी गलत लिखा है, भूमि तुम्हारा आंसर सही है, ठीक है, ओके, तो आशीष तुम्हारा भी आंसर सही है, शायद सबसे ज़्यादा आप बता रहे हैं, कृष्णा तुम्हारा। एक्चुअली बेटा जो आपके सॉलिड स्टेट होते हैं यहाँ पार्टिकल मूव नहीं करते हैं, यहाँ पार्टिकल ही मूव नहीं करता, यहाँ तो अपनी जगह पर रहकर ऑसिलेट करते रहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा? हेलो, हाँ, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ तो मोशन ही नहीं है, यहाँ तो मॉलिक्यूल का मोशन ही नहीं, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बोल बेटा? जीरो, मिनिमम, ठीक है, अपनी पोजीशन पे रह के ऑसिलेट करते रहते हैं, बस वही काइनेटिक एनर्जी इनकी। और यहाँ पर ये क्या होती है? मैक्सिमम। और यहाँ? इन बिटवीन, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट या इन बिटवीन, ठीक है बेटा। अच्छा ये बताओ, शेप के बारे में तो सब बच्चे जानते होंगे कि जो सॉलिड होते हैं उनकी जो शेप होती है और वॉल्यूम होते हैं वो डेफिनेट होती है, और लिक्विड की जो है के बारे में हम क्या कहें बेटा? डेफिनेट वॉल्यूम, इनडेफिनेट शेप, और यहाँ बोथ इनडेफिनेट। एक्चुअली मैं क्या बेटा, क्वेश्चन जो पॉइंट नंबर 5 है ये मैं इसके अंदर मैं आपके पास बात करता हूँ। देखिए बेटा, इस बात को थोड़ा समझिएगा, जैसे आपके पास है जो सॉलिड है उसकी शेप और वॉल्यूम चेंज नहीं होते हैं। हाँ, आप कुछ उसके ऊपर कुछ कंडीशंस लगा दें, उसे तोड़ दें, उसके ऊपर कुछ प्रेशर कुछ भी आप चेंज करें, बात अलग है। नॉर्मल कंडीशन में जो शेप है और वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है इसका, सॉलिड्स का। लिक्विड के बेटा, लिक्विड जो होते हैं उनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती। जिस बर्तन में आप डालते हैं लिक्विड को उसी की शेप अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। जैसे मान लो आपके घर में एक दूध बेचने वाला व्यक्ति आता है, वो आपको इस 2 लीटर के कंटेनर में, ये 2 लीटर के कंटेनर में 2 लीटर दूध आपको देके चला जाता है। अब आपने ये 2 लीटर के कंटेनर में जो 2 लीटर दूध है इसको आपने अंदर गए और 4 लीटर के कंटेनर में डाल दिया, तो क्या ये दूध 4 लीटर हो जाएगा? हेलो, नहीं, ये दूध 2 ही लीटर रहेगा। लेकिन गैस के अंदर क्या है? गैस के अंदर देखो, ये कंटेनर है, यहाँ 2 लीटर का कंटेनर है, गैस का वॉल्यूम 2 है। अब आपने क्या कर दिया, इसका वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया। अब वॉल्यूम इंक्रीज करके इसका वॉल्यूम आपने 4 लीटर कर दिया, तो अब इसका वॉल्यूम गैस का 4 लीटर हो जाएगा। यानी कि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो 4 लीटर से करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, तो जो गैस होती हैं, जो गैसेस हैं, उनका ना तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होता है, ध्यान दो, गैसेस का ना तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट कभी भी होता है, ना उनकी शेप कॉन्स्टेंट होती है। लिक्विड्स
जो होते हैं उनके शेप तो कांस्टेंट नहीं होती है लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट, और सॉलिड में दोनों कांस्टेंट होते हैं। चलो अब मुझे बताओ डेंस। हाँ बोलो बेटा। हाँ शाबाश। सर मुझे एक बात पूछनी थी सर, जो गैस होगी तो फिर सर उसको हम किसी भी कंटेनर में डाल दे तो फिर सर उसकी वॉल्यूम उसी कंटेनर के इक्वल हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही वही वॉल्यूम उसका वॉल्यूम वही लेना पड़ता है, वही माना जाता है। तुम मान लो आपके पास गैस है, उसको आपने 100 लीटर के कंटेनर में डाल दिया, तो उसका वॉल्यूम मैं 100 ही कंसीडर करूंगा, क्योंकि वो गैस पूरे में फैली रहेगी, क्योंकि उनके बीच का जो वॉल्यूम जो स्पेस है वो और बढ़ जाएगा। बस बात समझ आ रहा है? नहीं बेटा। यस। लेकिन दूध के केस में आपके घर में दूध बेचने वाला व्यक्ति आता है, ठीक है, वो 2 लीटर का दूध आपके भाई के कंटेनर में डाल देता है और उसके कंटेनर का साइज 2 लीटर था, 2 लीटर दूध उसे लेके अंदर आ जाता है। अब उसने क्या किया, उस 2 लीटर दूध को 4 लीटर के कंटेनर में डाल दिया, तो लेकिन वो 4 नहीं हो जाएगी। लेकिन यदि गैस बेचने वाला व्यक्ति होता, वो 2 लीटर गैस आपको दे के जाता और जिस कंटेनर में आप लेते और उसके बाद आप उसको 4 लीटर के कंटेनर में रख लेते, तो उसका वॉल्यूम 4 लीटर हो जाता। वॉल्यूम चेंज होता है, शेप। ठीक है बेटा। अच्छा अब डेंसिटी बताओ, तीनों में से किसकी ज़्यादा होगी? डेंसिटी सबसे ज़्यादा। शाबाश, गुड। आयुष, पलक, वेरी गुड। रोहन, वेरी गुड। भूमि, बिल्कुल सही। शाबाश, सब बच्चों के सही जवाब आ रहे हैं। सॉलिड की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है, और लिक्विड की डेंसिटी मिनिमम होती है। लेकिन मैं तुम्हें एक एक्सेप्शन भी बताता हूँ इसका। एक्सेप्शन ये बेटा, आइस की जो डेंसिटी होती है, आइस बर्फ जो होता है, इसकी डेंसिटी, आइस की जो डेंसिटी होती है वो वाटर की डेंसिटी से कम होती है, इसीलिए बर्फ पानी में तैर जाती है। ये बात देखी है नहीं कभी आपने, महसूस किया? हेलो। यस सर। बर्फ पानी में तैरती है, डूब जाती है? यस सर। पानी में, बर्फ पानी में तैरती है, यानी कि सीधी बात है कि उसका उसका जो बिल्कुल सही है प्रणव आंसर आपका, कि बर्फ पानी में इसलिए तैरती है, बर्फ पानी में, हेलो, बर्फ पानी में क्यों तैरती है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। तो खैर आमतौर पे तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी सॉलिड की होती है, सबसे कम गैस की होती है, लेकिन एक एक्सेप्शन था आइस और वाटर का, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। यहाँ बेटा मैं अब आपके पास एक पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है कंप्रेसिबिलिटी। तुम कंप्रेसिबिलिटी का मतलब समझते हो? कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है? यहाँ एक गैस भरी हुई है, यहाँ एक पिस्टन है, आपने पिस्टन को दबा दिया, पिस्टन को जब आपने दबा दिया, इट कन्वर्ट्स टू द लिक्विड फॉर्म। हाँ नहीं बेटा, एक मिनट, अब नहीं बेटा, वो लिक्विड, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कि आप उसको दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। गैस है मेरे बेटा, अब गैस है, तुमने ऊपर से इस पिस्टन पे प्रेशर लगाया और पिस्टन को नीचे तक ले आई, तो इसका मतलब है ये गैस कंप्रेस हो गई, ये इसकी कंप्रेसिबिलिटी है। सॉलिड जो होते हैं भाई, उनको तो कंप्रेस कर ही नहीं सकते। आपके पास लोहे का टुकड़ा है, एनी लोहे का टुकड़ा है, इस लोहे के टुकड़े को दबा के क्या तुम उसको पिचका दोगी? नहीं पिचका सकती। नहीं समझ में आ रही बेटा? हाँ भाई, वो टूट तो सकता है लेकिन वो कंप्रेस नहीं होगा, और जितनी उसकी कम मैक्सिमम लिक्विड जो होते हैं इनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी इनके अंदर भी लगभग 0 होती है, ना के बराबर। पानी को दबा के उसके वॉल्यूम को घटाया नहीं जा सकता, बहुत थोड़ी सी, ना के बराबर कंप्रेसिबिलिटी। तो यहाँ कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? मिनिमम। और यहाँ क्या होती है गैस में? क्या होती है? मैक्सिमम। और यहाँ लेस, वेरी वेरी लेस, मतलब लिक्विड में ना के बराबर, वेरी वेरी लेस। पहले तो बताओ, जितना मैंने आपको अभी पढ़ाया है, क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। ओके 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 बेटा, अब हम आपसे कुछ बातें करेंगे, और आज हम आपको यहाँ पर एक्चुअली में गैस है, तो मैं तो टोटल मेरा आज अब लेक्चर गैस पे शुरू हो जाएगा। गैस की बेटा कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं, मैं उन मेजरेबल प्रॉपर्टी का जिक्र आपके साथ में करूंगा। ये ठीक है, अभी बेटा ये पूरा डिटेल करेंगे, और मैं आपको फिर से बता दूं, हम लोग जो पढ़ाएंगे आपको बहुत डिटेल पढ़ाने की कोशिश करूंगा मैं आपको, यानी कि ऊपर से ही छोड़ेंगे। हाँ, शुरू भी बहुत बेसिक करूंगा और पढ़ाऊंगा भी बहुत डिटेल में जाके। अब बेटा ये बताओ, गैस है, ठीक है, अब किसी गैस का बेटा जानते हो मास कैसे निकाला जाता है? मान लो, हाँ बेटा, आपके घर में LPG सिलेंडर आता है, जरा ध्यान दो बेटा, ये LPG सिलेंडर आपके घर में आता है, ठीक, आपको यदि आपको ये मालूमात करनी हो
कि इस सिलेंडर के अंदर गैस की अमाउंट कितनी है, तो कैसे करोगे आप? क्या करोगे, एक बार भरा हुआ जो सिलेंडर है उसका वेट ले लोगे, ए भरे हुए सिलेंडर का उसका वेट आ गया W2 ग्राम, और एक बार खाली सिलेंडर का वेट ले लोगे उसका वेट है W1 ग्राम। तो भरे हुए सिलेंडर के मास में से खाली सिलेंडर का मास यदि घटा दिया तो क्या आ जाएगा? हेलो बताओ जरा, इस ये क्या होगा रसलीन? मास ऑफ गैस, गुड विषयवास। तो ये यूनिट क्या आ जाएगी? ग्राम में। अच्छा, एक तुम्हें पता मोल्स गैस के मोल निकालने के लिए आप क्या करोगे? मोल्स कैसे, मोल्स कैसे निकालोगे? W2 माइनस W1 बटे मोलिकुलर वेट ऑफ गैस। ठीक, जैसे मान लो मैं आपसे कहूं 4.4 ग्राम CO2 है, बताओ इसके मोल कितने आएंगे? कोई बच्चा बताए इसके मोल? CO2 का, वेरी गुड, इसका इसका मोलिकुलर वेट होता है 44। मोलिकुलर वेट कितना होता है? 44। तो 4.4 अपॉन 44 इज इक्वल टू 0.11, ये मोल आ गया। ये मोल किसके आ गए बेटा? गैस के। वेरी गुड, शाबाश रोहन, भूमि, राज, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अच्छा इसके बाद बेटा अब हम आपको ले चलते हैं एक अगले टॉपिक पे, जिसको अब हम गैस का जो वॉल्यूम होता है वो मेजरेबल प्रॉपर्टी है उसकी। ठीक है, ये मैं इसके ऊपर कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। अब बेटा ये बताओ, मैं आपको यहाँ कुछ बातें आपके साथ, जरा सब बच्चे जरा ध्यान दीजिएगा चीज़ों को बेटा, पहली बात तो समझने की कोशिश करना ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ, यानी कि इसका मतलब है कहीं ना कहीं मुझे इसको अपने चैप्टर्स में पढ़ाते हुए कहीं ना कहीं इस्तेमाल तो करनी है, इसलिए बेटा मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको करा देते हैं, सेकंड लेक्चर से फिर हम लोग, वैसे तो आज ही शुरू हो जाएंगे, ग्राफिकल स्टडीज़ कराऊंगा आज आपको। ठीक है, चलिए, मेरा क्वेश्चन ये बेटा कि ये खाली कंटेनर है और इस कंटेनर का वॉल्यूम, हाँ बेटा ये खाली कंटेनर था उसमें मैंने गैस भर दी और कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो 5 लीटर है, ये क्या बेटा? इज इक्वल टू वी कंटेनर। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? तो वी वी गैस कितनी होगी? हेलो, 5 लीटर? हाँ भाई, यस। अरे एक मिनट ये बताओ, रुको सब बच्चे, ये बेटा मैं नीले पेन से लिख रहा हूँ तुम्हें, कोई दिक्कत तो नहीं नीले से? अरे आपको कंफर्टेबल हो रहा है? नहीं, या कलर चेंज करूँ उसका? हेलो सर, कंफर्टेबल। ठीक है, ओके, चलिए। अब आपने क्या कर दिया, इस कंटेनर में 1 लीटर पानी भर दिया, यहाँ ये क्या भर दिया आपने? पानी। अब वही गैस पानी के ऊपर आ गई। अब बताओ, अब गैस का वॉल्यूम कितना होगा? 4 लीटर। अब जरा मैं अपनी बात को थोड़ा सा, मैंने क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी कंटेनर, ये बात समझ में आती है? या कायदे में बेटा जो उसकी सही डेफिनेशन है ना इसकी गैस के वॉल्यूम की, वो ये होती है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विच इज अवेलेबल फॉर गैस, ये। क्योंकि वॉल्यूम का, कंटेनर का वॉल्यूम तो यहाँ भी 5 लीटर है, एक वॉल्यूम का कंटेनर यहाँ भी 5 लीटर है, लेकिन यहाँ गैस को हमने 5 लीटर कहा, यहाँ 4 लीटर। क्यों? क्योंकि गैस के लिए जो अवेलेबल वॉल्यूम है वो तो 4 ही बचा, तो वही उसका वॉल्यूम होगा। नहीं समझ में आ रहा? ये पॉइंट बहुत ही टेक्निकली साउंड होना चाहिए, ये बात समझ में आ रही? हेलो, तो मुझे लगता है कि आपको मेरी बात बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी कि हाँ सर इसका मतलब ये है, यानी कि किसी गैस का वॉल्यूम जो होता है उस गैस के मूवमेंट के लिए जो अवेलेबल वॉल्यूम होता है, स्पेस होता है, वो उसका वॉल्यूम कंसीडर किया जाता है। अब बताओ यहां तक कोई डाउट, चलूं आगे या कोई दिक्कत है? हेलो सर, एक बार फिर एक्सप्लेन कर दो। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं बताता हूँ। देख बेटा बात सुन, हमने क्या कहा, हमने कहा किसी गैस का वॉल्यूम किसके बराबर होता है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विच इज अवेलेबल फॉर गैस, किसी कंटेनर का वो वॉल्यूम जो गैस के लिए अवेलेबल है। यहां तो 5 लीटर का 5 लीटर ही अवेलेबल है, यहां कितना अवेलेबल है? हाँ भाई, 5 लीटर ही अवेलेबल है। तो इसका मतलब है यहां गैस का वॉल्यूम 5 लीटर होगा। यहां तक कोई दिक्कत?
नो सर। और यहाँ 1 लीटर पानी मिलाने के बाद अब जो अवेलेबल, अभी 1 लीटर पानी मिला दोगे तो अब तो 4 लीटर बचा ना जहाँ गैस घूम सकती है। तो अब गैस का वॉल्यूम यहाँ पे आपने क्या ओके लिया, 4 लीटर। कंटेनर तो वही है ना, नहीं समझ में आ रहा। ओके सर, मैंने ओके अपनी इस बात को समझाने की कोशिश की है, ए ये सही या गलत? ओके बेटे, सबको समझ में आ रहा है? आगे चलूं या अभी कुछ पूछना है आपने? हेलो, चलिए। अब बेटा मैं आपको कहूंगा कि ये चीज तो देखो मेरे पढ़ाने से तो नहीं आएगी, ये तो याद करनी है। 1 मीटर क्यूब जो होता है, 1 मीटर क्यूब वो 1000 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, और 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 लीटर के बराबर होता है, यानी कि 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब इजिकल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब, और ये 1000 लीटर। और 1000 लीटर जो होगा, 1000 लीटर जो होगा, उस लीटर को ml में बदलोगे तो 10 टू द पावर 6, और 10 टू द पावर 6 ml जो होता है, 1 ml 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो जितने ml ये हैं उतने ही क्यूबिक सीसी, और फिर उस क्यूबिक सीसी को मिलीमीटर क्यूब में बदलें तो 10 टू द पावर 9। ये वाला जो, ये बेटा ये रिलेशन सब बच्चों के टिप्स पे होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व होंगे ये टिप्स। हाँ बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ बेटा, ये रिलेशन समझ में आ गया या नहीं, बताना है? हेलो, सर ओके, चलूँ आगे? हाँ भाई, सर ओके, ठीक है बेटा। अब बेटा एक चीज़ और, अब मैं आपको टेम्परेचर पे ले आता हूँ। जानते हो हमारे यहाँ कितने स्केल होते हैं जो टेम्परेचर के, जो हम यूज करते हैं? हेलो, हाँ बेटा, पहले तीन स्केल होते हैं। टेम्परेचर क्या है बेटा? टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस। इट इज मेजर्ड इन 3 स्केल। इसको 3 स्केल में मेजर किया जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा सब बच्चे, ये सब ने आपने पढ़ा। अच्छा ये बताओ, ये आपने पढ़ा था या नहीं, 10th में या 9th में पढ़ा था है? हेलो, सर ओके, इसको बोलते हैं KCF, ठीक है? KCF मतलब कैल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल, फारेनहाइट स्केल। मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, अभी पहले आप समझ लीजिएगा। मैं एक बात बहुत बड़ी बोलूंगा आप, और उस बात को हमेशा याद रखना। पूरी केमिस्ट्री में, मुझे बाकी बेटा का अंदाज़ा नहीं है आपके यहाँ फिजिक्स में क्या होता है क्या नहीं, लेकिन हमारे यहाँ केमिस्ट्री में एक नियम है। हमारे यहाँ सारी कैलकुलेशन, सारे न्यूमेरिकल, सारी बातें कैल्विन स्केल पे की जाती हैं। हम सेल्सियस स्केल में यदि टेम्परेचर दिया भी है तो भी मैं कैल्विन में कन्वर्ट करके उसके बात करता हूँ। तो हमारी केमिस्ट्री के अंदर सारी की सारी, पूरा जो हम यूज करेंगे, वो हम जो हम अपने फार्मूले में यूज करेंगे, वो हमेशा किस में करेंगे? कैल्विन में। हेलो, मतलब जो भी बातें बोलेंगे वो किस में बोलेंगे बेटा? हेलो, कैल्विन में। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा, अब यदि सेल्सियस में, और हम अक्सर सेल्सियस में दिया होता है, तो सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन बताता हूँ मैं, एक मिनट बेटा। देखो बेटा, ऐसा होता है, सेल्सियस C-0/100 इजिकल टू K-273/100 इजिकल टू F-32/180। मतलब यदि 0 डिग्री सेल्सियस है तो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 273 केल्विन। सही है क्या? हाँ भाई, मेरी बात समझ में आ रही है? यस। अच्छा, और यदि 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको दिया जाता है और उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करोगे बेटा? बोलो। +273 300 300 केल्विन, ठीक है? तो फारेनहाइट में। अब ये बताओ, ये कन्वर्जन सिखाऊं या आपको क्वेश्चन कराऊं या आपको ऑलरेडी आते हैं? बोलो। हेलो, सर आते आते हैं तो, क्योंकि 9th 10th में सिखाते हैं। वैसे आप 9th में सिखाते हैं, 10th में? 9th में। 9th में सिखाते हैं, तो मैं छोड़ दूं या मुझे बता दीजिएगा? हाँ बेटा बोलो, क्या बच्चे क्या चाह रहे हैं, कि मैं इस पे कुछ प्रैक्टिस कराऊं या इसको स्किप कर दूं? बोलो। यूज इन क्या बेटा? कैल्विन, हम कैल्विन में यूज करते हैं। हेलो,
कैल्विन, और यस ठीक है यूज इन कैल्विन, चलिए छोड़ देते हैं यदि आपको। अच्छा अब थोड़ा प्रेशर के बारे में। अच्छा प्रेशर के लिए क्या बताया जाता है फिजिक्स में, तो आपने पढ़ा होगा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? यस सर। हमारे यहाँ बेटा दो यूनिट हैं, एक एम के एस और एक सी जी एस। एम के एस में प्रेशर की जो यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक पास्कल के बराबर होती है। हाँ बेटा एम के एस में प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक पास्कल के बराबर होता है। यहाँ तक कोई डाउट? हेलो सर। अच्छा और सी जी एस में जो प्रेशर की यूनिट होती है वो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तुम्हें पता होगा ना बेटा सी जी एस में जो प्रेशर है उसे डाइन में नापा जाता है, फोर्स को डाइन में नापा जाता है, और एम के एस में फोर्स को हम न्यूटन्स में नापते हैं। ये बात तो पता, ये सब बातें फिजिक्स की मैं पढ़ाई होंगी बेटा, आपके जो आपके फिजिक्स टीचर हैं उन्होंने सब बताई होंगी, ठीक है, उन्होंने सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की होगी। तो एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक पास्कल के बराबर होता है, एक यानी कि 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये खैर बेटा हमारे इतना ज़्यादा इन चीज़ों पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है, हमारे क्वेश्चन की जो टेक्निकल, क्योंकि यूनिट्स कन्वर्जन पे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता हमारे यहाँ, हमारे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, कंसेप्चुअली प्रॉब्लम्स बनाई जाती हैं, तो कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, तो लेकिन पता तो आपको होना चाहिए। अच्छा फिर बेटा हमारे यहाँ बेटा जो सबसे ज़्यादा हम जो प्रेशर की यूनिट यूज करते हैं वो एक हम एटमॉस्फेयर में करते हैं, और एक एटमॉस्फेयर जो होता है, ध्यान दो बेटा, एक एटमॉस्फेयर जानते हो, एक एटमॉस्फेयर का मतलब है 760 मिलीमीटर एचजी। ये अब बेटा ये मुझे बताओ ये क्या बात हुई, एक एटमॉस्फेयर प्रेशर है 760 एमएमएचजी, क्या तुमने आज से पहले ये बात पढ़ी है या आज ही पढ़ रहे हैं पहली बार? हेलो ठीक है, आज से पहले आपने ये बात नहीं पढ़ी है, ओके बेटा इसका मतलब ये होता है कि प्रेशर को नापता है, प्रेशर को एक जरा सब बच्चे सुनिए, अब जरा मेरी बात को ठीक से सुनना मेरे बेटा, इसको ना प्रेशर को नापने के लिए एक अपरेटस का इस्तेमाल होता है, उस अपरेटस को कहते हैं बैरोमीटर। ये बात तो सुनी होगी। हेलो यस। इस बैरोमीटर में ए ऐसे होता है, थोड़ा डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, डायग्राम को परवाह मत करिएगा, ये मरकरी होता है, ए ये ये, इसका मतलब ये हुआ बेटा यहाँ पे वैक्यूम होता है, यहाँ वायुमंडल का दबाव लग रहा है, एटमॉस्फेरिक एयर, यहाँ दबाव, यहाँ तो कोई नहीं लग रहा, तो यहाँ जो मरकरी है उसकी ये जो हाइट है ए ये एच, ये एच है, इसका मतलब है कि जब प्रेशर एक एटमॉस्फेयर होता है तो बैरोमीटर में मरकरी की जो हाइट आ जाती है वो 760 आती है। नहीं समझ में आ रहा? हेलो यस सर। अच्छा या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि ये हाइट 76 सेंटीमीटर आ जाती है, क्या ये सही है कहना? हेलो हाँ भाई, हेलो यस सर। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि यदि मरकरी की हाइट 57 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब वो कितना प्रेशर नाप रहा है एटमॉस्फेयर में, वो कितना प्रेशर? 0.75 एटमॉस्फेयर। वो हो जाएगा 57 अपॉन 76 एटमॉस्फेयर। आप गलत बोल रहे थे बेटा, चलिए 57/76। नहीं समझ में आ रहा? तो ये 0.75 तो होगा, 3/4 हो जाएगा। अच्छा मतलब आपने अच्छा कैलकुलेट करके बोला? यस सर। अच्छा ठीक है बेटा, मुझे लगा कि शायद आप डिवाइड करना बता, ठीक है बेटा ओके। तो ये बेटा, हाँ बेटा समझ में आ गया। हेलो यस सर। यदि मरकरी की हाइट 380 मिलीमीटर है, अब बताइए अब प्रेशर कितना नापा जा रहा होगा? 580। अब प्रेशर कितना होगा भूमि? तुमने आंसर थोड़ा, हाँ ठीक है बेटा,
इसका आंसर बेटा भूमि, तुम्हारा आंसर गलत है और गलती देख लीजिएगा आपकी क्या है भूमि, तुम्हारा काफी बच्चों का बच्चों ने गलत बोला है। ए इज इक्वल टू 0.5 एटमोसफियर, ठीक है। हाँ भाई गुनगुन तुम्हारा, हाँ आयुष तुम्हारा ठीक है, आयुष रोहन तुम्हारा भी ठीक है, और बाकी बच्चों को गलती समझ में आ गई। हेलो हाँ भाई yes, ये 760 mm, यदि 380 mm है, यदि 760 होता है हाइट्स तब एक एटमोसफेयर होता है, 380 पे तो कितना 0.5 होगा। तो मुझे लग रहा है कि मेरी बात आप तक पहुंची है और आपको वो बात ठीक से समझ में भी आई होगी, ठीक है। अच्छा यदि एक मिनट बेटा, यदि हाइट, हाँ बेटा दो दो एटमोसफेयर प्रेशर है तो बताओ कितनी हाइट मरकरी की आई होगी। यदि दो दो एटमोसफेयर प्रेशर है तो हाइट शायद, हाँ ओके गुनगुन ठीक है, शाबाश आयुष गुनगुन रियान कृष्णा आयुष भूमि आशीष, वेरी गुड वेरी गुड। ये भूमि तुमने, तुम्हारा आंसर गलत है मेरे बेटा, तुम्हारा अच्छा तुमने एमएम में बोला, ठीक है सही है फिर सही है। तो इसका जो हाइट होगी मरकरी की वो 7 इतने सेंटीमीटर और इतने मिलीमीटर, अब सही है। हेलो ओके बिल्कुल सही जवाब है। मैं बेटा कुछ छोटी छोटी बातें और आपके साथ शेयर करता हूँ, अभी बताता हूँ ठीक है। चलिए इसके बाद बेटा मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, एक एटमॉस्फेयर जो होता है, वन एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो बेटा सही वैल्यू तो ये है, लेकिन बेटा मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ ना कभी, अब करूँगा ही सॉल्व आपके सामने, तो बेटा मैं हमेशा वन एटमोसफेयर को, वन एटमोसफेयर जिसको बेटा हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम लोग ए ऐसे लिख लेते हैं। ये बेटा थोड़ा एग्जैक्ट सही आंसर तो ये है, ये थोड़ा रफ आंसर है, लेकिन मैं तो ज़्यादातर इसी का इस्तेमाल करता हूँ कैलकुलेशन बचाने के लिए। ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट करनी होती है तो हम इससे कर लेते हैं, ये भी लगभग वही आ जाता है। चलिए अब एक चीज और हम बता दें, एक एटमॉस्फेयर जो होता है, एक एटमॉस्फेयर वो 1.01325 इंटू 10^5 पास्कल होता है, सही है गलत। हाँ भाई समझ में आ रहा है। हेलो अच्छा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक मिनट, 101.325 10^3 पास्कल सही है गलत है। सही है। अच्छा और इसको मैं ऐसे लिख दूँ, 101.325 किलो पास्कल, ऐसे भी लिख सकता हूँ किलो पास्कल। पास्कल को बेटा शॉर्ट फॉर्म में पीए लिखते हैं, पीए लिख सकता हूँ क्या। हेलो यस सर। अच्छा अब जरा इधर आ जाओ, इतने किलो पास्कल है, इसको एटमॉस्फेयर में कैसे चेंज करोगे। इसको एटमॉस्फेयर में कैसे चेंज करोगे, हेलो किलो पास्कल का 325 एटमॉस्फेयर सही है क्या, देखना। क्योंकि एक एटमॉस्फेयर इतने के बराबर होता है। हाँ बेटा समझ में आ रहा है। यस सर। किलो पास्कल को भाई यदि प्रेशर किलो पास्कल में दिया है और उसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है तो ठीक है, यस लिखो, जिसको समझ में नहीं आई उसको नो लिखे, जिसको समझ में नहीं आया बेटा ओके ओके। रोहन भूमि आयुष ओके कृष्णा वेरी गुड
फाल्गुनी, गुनगुन, नीलाक्षी, प्रणव, ठीक है, ओके, वेरी गुड। इसका मतलब है, अच्छा ये इसको आप एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर दोगे इसको? इसको इसको करो कन्वर्ट, कैसे आएगा आंसर? सर ये 0.25 जो भी आएगा, चलो छोड़ो ये क्या मेरी बात से सहमत है आप लोग? हेलो, ओके, यस सर। अच्छा एक चीज और बेटा, एक पास्कल इक्वल टू एक बार के बराबर होता है। बार भी जो है ना मेरे बेटा, बार वो भी प्रेशर की यूनिट होती है। तो मैं कह सकता हूं 1 atmosphere इज इक्वल टू 1.01325 bar। यहां तक कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब आपका, शाबाश। सर इसमें इनटू 10 टू द पावर 5 क्या है? कौन सा बेटा? अच्छा सर ये 1 atmosphere नहीं, 1 atmosphere तो एक बार के बराबर होता है बेटा। एक बार एक पास्कल। ओहो, अच्छा, मैं लिखना कुछ और था बेटा। एक पास्कल 1 newton per meter square, ठीक है बेटा, तुम सही थे, मैं वो मेरे से लिखने में गलती हुई, ये लिखना था मुझे, ठीक है। एक पास्कल 1 newton per meter square के, और वहाँ 1 atmosphere एक बार के, लगभग एक बार के बराबर होता है, ठीक है। हाँ भाई, समझ में आ गया? यानी कि एक बार जो होता है, मतलब ये रिलेशन है। वो गलती से बेटा वो लिखना यही था, लेकिन अब समझ में आ गया। हेलो, ठीक है सर। और एक, हाँ बेटा, अब यहाँ पे अब लिखते हैं, 1 atmosphere इज इक्वल टू 10 to the power 5 क्या, लगभग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब सही है? हाँ भी, तो 1 atmosphere इसके बराबर आ जाता है। हाँ बेटा, तो मैं लिख सकता हूँ, हाँ भी, मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, ओके। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 10 to the power 5 pascal, यानी कि 1 atmosphere। हाँ बेटा, अब 1 atmosphere जो है वो इतने पास्कल के बराबर होता है, और 1 pascal जो है एक बार के बराबर, मतलब अब आप इस तरीके से ये सारे कन्वर्जन, मुझे नहीं लगता कि किसी कन्वर्जन में कोई डाउट होना चाहिए, सारी बातें मैंने साफ साफ लिखी यहाँ पे। तो किसी को डाउट है? ये सब बातें फिजिक्स में तो खैर आपके टीचर ने आपको सिखाई दी होंगी, मेरा तो खैर इतना इसमें मैंने कुछ खास नहीं सिखाया आपको, ठीक है, बाकी तो फिजिक्स के टीचर सिखाते ही हैं इसको। तो मुझे बेटा जितनी ज़रूरत है, मैंने बेटा उतना सिखाया बेटा आपको जितनी मुझे ज़रूरत है, रोज़ मुझे भी, जब तक मैं आपके साथ काम करूँगा तो मुझे बेटा कुछ ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने जितनी अपनी ज़रूरत का काम बताया आपको, बाकी तो फिजिक्स के अंदर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाया गया होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट डायमेंशंस आपको टीचर ने आपको पढ़ाई होगी तो काफ़ी डिटेल, चलिए। लेकिन बेटा मैं आपके साथ ए डेंसिटी के ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ थोड़ा सा, कि जो डेंसिटी है बेटा वो दो टाइप की होती है, एक एब्सोल्यूट डेंसिटी होती है, एक वेपर डेंसिटी होती है, दोनों में एक फ़र्क समझिएगा। देखो बेटा जो एब्सोल्यूट डेंस, हेलो, हाँ भाई, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हेलो, यस। एक एब्सोल्यूट डेंसिटी है, एब्सोल्यूट डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, और वेपर डेंसिटी का मतलब होता है मोलिकुलर वेट। वैसे तो मैं बहुत डिटेल आपको इसका डिटेल पढ़ा चुका हूँ, आप अपने नोट्स चेक करिएगा जब मैं आपको बेसिक कंसेप्ट पढ़ा रहा था, मोलिकुलर वेट बाई टू। वेपर डेंसिटी जो होती है मोलिकुलर वेट बाई टू होती है, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि हाइड्रोजन है मेरे बेटा, हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट कितना होता है मुझे बताओगे? 2। हाइड्रोजन की वेपर डेंसिटी कितनी होगी? 1। ठीक है, शाबाश रेयान, तुम्हारा गलत है आंसर बेटा। चलिए इसके बाद क्लोरीन, Cl2 का मोलिकुलर वेट कितना होता है? 71। और क्लोरीन की वेपर डेंसिटी कितनी होगी? हेलो,
अच्छा ये बताओ ऑक्सीजन की वेपर डेंसिटी ऑक्सीजन की कितनी होगी? सब बच्चे बताओ ऑक्सीजन की वेपर डेंसिटी। भूमि गलत आंसर है बेटा। ऑक्सीजन का बेटा जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 32 होता है, और दो से यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 16 आंसर आएगा, 8 नहीं आएगा। 16 उसका एटॉमिक मास होता है, मॉलिक्यूलर मास नहीं होता बेटा। भूमि अब सही है, अब सही लिखा तूने। चलिए एनी सही आंसर है, रोहन सही, ओके। तो अब जैसे मैं आपसे कहूं CO2, वेपर डेंसिटी ऑफ CO2 कितना होगा बताओ? CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा? हेलो, बिल्कुल सही जवाब 22। हाँ भी क्लियर? यस। अब हम बात करेंगे गैस लॉ की। चलिए बेटा, बेटा तुम्हें एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं बच्चों से सबसे पहले मैं गैस लॉ के बारे में बात, मैं बेटा केमिस्ट्री अब शुरुआत कर रहा हूँ बेटा, आज का जो चैप्टर है अब मेरी मेरी जरूरत यहाँ से आपको, इससे पहले जो पढ़ा है तो बेसिक ही है, सब चीज़ें आपको पता होती हैं, कुछ खास बात नहीं। एक्चुअली बेटा गैस लॉ में जो गैस लॉ बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक, और साथ में क्या बेटा एक और फैक्टर लिया जाता है वो है अमाउंट। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और अमाउंट। हम क्या करते हैं बेटा, जो कोई भी गैस लो बनाते हैं, कोई भी गैस लो, तो उसमें बेटा दो चीजों को, चार में से दो चीजें कांस्टेंट कर देते हैं और दो के बीच में रिलेशन बताते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अब जैसे एक मिनट को मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं तुम्हें बॉयल्स लो की बात करता था। अब बॉयल्स लो जब मैं बताऊंगा ना आपको, तो बॉयल्स लो में मैं क्या करूंगा, देखो हम उसमें बॉयल्स लो में ए ये कंटेनर है, इसके अंदर गैस के मोल हैं, हमने मोल्स कांस्टेंट कर दिए, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया और पी और वी के बीच में एक रिलेशन बता दिया, बन गया गैस लो। कोई भी गैस लो की बात करेंगे ना बेटा, तो उसमें चार, फिर सुनिए बेटा, चार पैरामीटर्स होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और गैस की अमाउंट। हम इनमें से दो को कांस्टेंट करते हैं और दो के बीच में रिलेशन बनाते हैं, चाहे वो चार्ल्स लो हो, चाहे वो बायल्स लो हो, कोई भी लॉ हो आप, मतलब जितने भी लॉ मैं पढ़ाऊंगा गैस से रिलेटेड, उनमें एक ही कॉन्सेप्ट क्या करेंगे बेटा, अभी अभी रुको बेटा, बॉयल्स लो बाद में शुरू करेंगे, पहले हम आपको बता दें गैस लो में क्या होता है बेटा, रिलेशन बिटवीन, ये देखो लिखा मैंने, रिलेशन बिटवीन क्या बेटा, एनी टू, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम, इन तीनों में से कोई एक, दो वैल्यू और एक अमाउंट ऑफ गैस को हम कॉन्स्टेंट करेंगे। मतलब सीधी बात है, अमाउंट ऑफ गैस, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन चार में से दो को कांस्टेंट कर देंगे और दो के बीच में रिलेशन बना लेंगे। हेलो, क्लियर? तो ये जो रिलेशन बनेंगे इसको ही बोला जाता है गैस लॉ। इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? हेलो, हाँ भाई, अब जैसे मैं बोलता हूं बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ में हम आपको बताएं बेटा, बॉयल्स लॉ में ए प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ गैस, हम इसको कांस्टेंट कर देंगे, इसको कांस्टेंट कर देंगे और इसके बीच में रिलेशन देखेंगे और वो रिलेशन ये आ जाएगा, आंसर आपके पास है, बात खत्म, बन गया बॉयल्स लॉ। तो मैंने यहाँ पे बॉयल्स लॉ में एक स्टेटमेंट आपके यहाँ लिखना है, वो मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूँ। पहले तो मेरी बात बताओ कि मैंने जो बोला है समझ में आया? मतलब बॉयल्स लॉ नहीं बताया मैंने गैस लॉ बताया। तुम्हें पता है गैस लो कैसे बनाए जाते हैं? हाँ, हेलो, फिर सुनिए सब बच्चे, गैस लो कैसे बनाए जाते हैं? गैस लो में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में और अमाउंट, इन चार में से हम दो चीज़ों को कांस्टेंट करते हैं, दो को कांस्टेंट और दो के बीच में रिलेशन स्टडी करते हैं, ये बनते हैं गैस लो। अब बॉयल्स लो में हमने क्या कहा, देखो बॉयल्स में फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस, गिवन अमाउंट ऑफ गैस का मतलब है कि तुमने अमाउंट फिक्स कर दी, यानी कि मोल फिक्स कर दिए। मैं आपसे कुछ बातें कह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान सुनना, ये हल्के मत लेना बातों को। ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक फैक्टर ये कांस्टेंट हो गया, एक ये कांस्टेंट हो गया। प्रेशर ऑफ गैस, अब देखिए यहां से, प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ गैस, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी व्हेन एन, हाँ बेटा एन और टी क्या है, कांस्टेंट।
ए, ये मेरी बात समझ में आ रही है? यस हेलो, सर। ओके। तो मैं जो आपसे बोल रहा हूँ, क्या वो बातें आपको क्लियर हैं? हेलो, यस सर। बिल्कुल सही जवाब आपका। तो मैंने आपसे कहा बॉयल्स लॉ को समझो, तो बॉयल्स लॉ मतलब मैं ऐसे ही चार्ल्स लॉ भी पढ़ाऊंगा आपको, मतलब बहुत सारे सारे लॉ मैंने ऐसे ही पढ़ाने हैं आपको। तो पहले चीज़ों को रियलाइज करिए, फिर हम कोई लॉ बना रहे हैं तो आखिर वो लॉ बनाया कैसे है। हम चार में से दो को कांस्टेंट करेंगे, दो के बीच में रिलेशन बताएंगे। तो इसका मतलब क्या है? फॉर अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ किसी भी गैस का उसके, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जब आप वॉल्यूम को चेंज करेंगे, मान लो इफ, इसका मतलब ये हुआ इफ ए, ये आपका पहले समझो बेटा, इस बात को हल्के में मत लीजिएगा। ए यहाँ एन है गैस, टेम्परेचर टी केल्विन है, यहाँ प्रेशर पी है और वॉल्यूम वी है। ये अब आपने प्रेशर को बढ़ा दिया, भैया प्रेशर को बढ़ा दिया तो पिस्टन को तो नीचे ही करना पड़ेगा। ये गैस के एन मोल है, टेम्परेचर टी, तो अब क्या करूँगा भाई? प्रेशर को नीचे कर दिया, वॉल्यूम कम कर दिया, जब वॉल्यूम कम कर दिया तो प्रेशर, अब वॉल्यूम यहाँ पे क्या हुआ? वी डिक्रीज, लेकिन प्रेशर इंक्रीज हो गया। बस बन गया चार्ल्स लॉ। नहीं समझ में आ रहा? लेकिन ये रूल तब बनाया जब यहां भी गैस के मोल एन थे, यहां भी गैस के मोल एन थे, यहां भी टेम्परेचर टी था, यहां भी टेम्परेचर टी था, तब ये रिलेशन बताया। मेरी बात क्लियर हुई? अब अभी बतानी है। ओके, चीजें क्लियर हो गई? हाँ भाई, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पी इज इक्वल टू के इंटू वन बाई वी? बोलो बेटा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, यस सर। पी वी इज इक्वल टू के क्या है? के बेटा यहां प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। बेटे टॉपिक तो बीच में रह गया बेटा, चलिए कोई बात नहीं, कल लिखेंगे कॉन्स्टेंट ये बेटा, कल बेटा मैं यहाँ से आपको डिस्कस करूँगा, ठीक है? प्रोपोर्शनलिटी मतलब ये अब आगे पढ़ाना ठीक नहीं है क्योंकि टॉपिक टाइम खत्म हो गया, नहीं तो मैं इसको आगे पूरा, ये डिटेल डिस्कशन है काफ़ी, तो यहीं से बेटा मैं बॉयल्स लो बेटा कल रिपीट करूँगा यहाँ से। मेरी बात जो पढ़ाया मैंने आज समझ में आया या नहीं आया? यस सर। तो किसी को कोई डाउट है तो, हाँ बेटा कोई डाउट है तो अपना डाउट शेयर कर सकता है। हाँ भाई, बॉयल्स लॉ हमेशा ही फॉलो होगा। हाँ सब हमेशा, जब ये कंडीशन लगाओगे तो फॉलो होगा, यदि आप कंडीशन लगाओगे तो फॉलो होगा, फॉलो क्यों नहीं होगा? ठीक है, यदि हम कंडीशन लगाएंगे तो फॉलो होगा बेटा। तो अभी अभी तो खैर डिस्कशन अब शुरू हुआ, गैस लो अब शुरू हुआ जो मुझे पढ़ाना है। अब तक तो मैं छोटी छोटी बातें, बेसिक बातें आपके साथ की हैं और मुझे लग रहा है कि शायद आपको ठीक से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो ठीक है, कल मिलते हैं आपको सेकेंड, इसके आगे कल पढ़ाएंगे आपको लॉ, सारे सारे तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, बॉयल्स और चार्ल्स तक ही पहुंच पाएंगे। ठीक है बेटा, मिलते हैं कल आपसे। ठीक है बेटा, और बेटा जिस इसमें कुछ बच्चों की फीस जुलाई की अभी फीस रह रही है, वो बच्चे बेटा जिनकी जुलाई की फीस रह रही है बेटा वो फीस जमा करें, नहीं तो बेटा मुझे ग्रुप से हटाना पड़ेगा बेटा उन बच्चों को। ठीक है बेटा, ओके, मिलते हैं कल आपसे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। इसी नंबर पे पेटीएम करने हो? हाँ, इसी नंबर पे आप पेटीएम कर सकते हो, पेटीएम नहीं है, गूगल पे कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो इसी नंबर पे। वैसे मैं लिंक भी भेज दूंगा इसमें अभी ग्रुप में ना आपके, कि जिस पे आप भेज सकते हैं। ठीक है बेटा, मैं अकाउंट डिटेल भेज रहा हूँ। ठीक है, हाँ बेटा बोलो। सर मैंने जो आपको एक डाउट भेजा तो वो असल में केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर पे डाउट नहीं, वो एक्चुअली मैं क्या मैं बताता हूँ, वो ना अभी आपको फिजिक्स में, आप क्या एक मॉडर्न फिजिक्स होती है, मॉडर्न फिजिक्स, वैसे वो उस क्वेश्चन को जो तुमने पूछा था वो मैं बता सकता हूँ, मेरे लिए वो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वो फिजिक्स के अंदर पढ़ाया जाता है। ये फिजिक्स में ना मॉडर्न फिजिक्स आएगी जो आपके 12th में आपके टीचर आपसे डिस्कस करेंगे, ये वहां पे क्वेश्चंस है। वो तुमने एक क्वेश्चन कहां से उठाया था सर? वो एक बूस्टर मटेरियल से लिया था। हाँ, तो उसमें वो फिजिक्स की, फिजिक्स वाले सेक्शन में दिया होगा ये क्वेश्चंस, ये केमिस्ट्री में नहीं दिया होगा। हाँ बोलो। हेलो, मैं फीस 27 को ओके ओके दे सकती हूँ? हाँ हाँ चलिए ठीक है, ओके ओके बेटा। हाँ बोलो बेटा। हाँ राधिका, आपने परसों जब पहली ऑनलाइन क्लास हुई थी तो आपने बोला था कि जो लेक्चर है वो दो वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है, पर आपने सिर्फ एक ही दी।
अच्छा एक वीडियो भेजिए तो मैं उसको भेज दूंगा बेटा, दूसरा भी ठीक है। और सर आप ये पीडीएफ भी अपलोड करते हो? हाँ पीडीएफ भी भेज रहा हूँ और वीडियो भी भेज रहा हूँ, ठीक है मेरे बेटा। थैंक यू सर। ओके बेटा।